अस्सलामु अलैकुम सबे बारात। इस रात को अल्लाह ने मुबारक रात बनाया है, नूरानी रहमत वाली रात बनाया है। नबी पाक ने इस रात को बड़ी फजलत बताई है इस रात की। इस रात को नफिल नमाज पढ़ी जाती है, अल्लाह की खूब इबादत की जाती है और हम अल्लाह के गुनहगार बंदों के साल भर के नेक अमाल अच्छे बुरे काम अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। और अल्लाह की इस रात को अल्लाह से खूब मदद तलब कीजिए, अल्लाह से अपनी बख्शिश करें, अपने गुनाहों की बख्शिश करवाइए और जितने भी हम अहले ईमान वाले अल्लाह के हैं उन सब की बख्शिश होती है। लेकिन पांच लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शी नहीं है। पहला है मुशरिक, दूसरा यकी कीना रखने वाला, तीसरा तकब्बुर करने वाला, चौथा माँ बाप का नाफरमान, पाँचवा खूब शराब पीता हो, छठा जिना करने वाला। जब तक ये अल्लाह की बारगाह में तौबा न कर लें तब तक इनकी बख्शी रोक दी जाती है। अल्लाह ताला से सोचिए ये गुनाह कहीं हमारे अंदर तो नहीं आ रहा है, तो अल्लाह से मदद तलब कीजिए, अपनी बख्शिश करवाइए, माँ बाप से माफ़ी मांगिए और जो तकबर जो कुछ है आपके अंदर वो सब चेंज कीजिए, क्योंकि ये बड़ी मुकद्दस रात है। अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह से यही अकीदा है। और मेरे नौजवान भाई हैं जो इस रात को जागते जरूर हैं लेकिन अल्लाह की बात नहीं करते, बाइक पे स्कूटर पे गलियों में ठट्टे पीटते हुए जाते हैं और कहीं चाय की दुकान देखी तो वहाँ चाय पीने में रात गुजार देते हैं। ये रात बड़ी मुकद्दस है, नूरानी रहमत वाली, अल्लाह से रोकर अपनी गुनाहों की बख्शिश करवाइए और अल्लाह से माफ़ी तलब कीजिए, क्योंकि ये साल मुबारक हमें मिली है, क्या पता हम अगले साल हो ना हो। हम अल्लाह से अच्छी सच्ची अस्तगफार कीजिए और अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश करवाइए, क्योंकि हम गुनहगार बहुत हैं, सब हम बहुत गुनहगार हैं। अल्लाह के बारगाह हम लोग गुनहगार अपनी बख्शिश करवाएंगे, अल्लाह से माफ़ी तलब कीजिएगा। मेरी इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, सब आप बेहतर बनिए। अल्लाह अकबर।